नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। टुडे आज मैं बनाने जा रही हूँ सिंगोड़े के आटे का हलवा, जो आप फास्टिंग में खा सकते हैं और जो बहुत ही स्वादिष्ट होता है। इसके लिए हम सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट यूज़ करने वाले हैं। शुरू करने के पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप मेरे अपडेट्स बराबर देखते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर एक नॉनस्टिक पैन लिया है, गैस ऑन कर लें और फ्लेम मीडियम रखें। इस पैन में अब मैं घी ऐड करूंगी, 4 से 5 टेबलस्पून। जैसे ही हमारा घी गर्म हो जाए, उसमें मैं सिंगोड़े का आटा डालूंगी, 1 कप, ऑलमोस्ट 50 ग्राम्स, और इसको हम लगातार चलाते जाएंगे ताकि कोई लंप फॉर्म ना हो। ये देखिए सिंगोड़े का आटा घी में कितनी अच्छी तरह मिक्स हो गया है। 1 से 2 मिनट धीमी आंच पे इसी तरह चलाते रहें ताकि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। अब ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है तो हम इसमें पानी ऐड कर देंगे, ऑलमोस्ट 3/4 कप। पानी ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से चला लेंगे। ये देखिए हम इस तरीके से चलाते जाएंगे ताकि इसका पानी सूख जाए, और उसके बाद हम उसमें 1 चुटकी इलायची पाउडर डालेंगे, शुगर 3 टेबल स्पून, और सबको अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए यहाँ पे चीनी अच्छे से मिक्स हो गई है और हमारा हलवा बिल्कुल रेडी है, गरम और स्वादिष्ट। ये हलवा बहुत ही फिलिंग होता है और बहुत ही स्वादिष्ट होता है, और आप इसको घर पे अच्छे से आराम से बना के खा सकते हैं। अब हम इसको सर्व कर लेंगे एक बोल में। अभी हमारे सिंगोड़े के आटे का हलवा बिल्कुल रेडी है। आप इसको कोई भी ड्राई फ्रूट के साथ गार्निश कर सकते हैं, मैंने आलमंड के साथ किया है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।